हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है और ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट दो या फिर ग्रीन्स थ्योरम का फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिफाई देना होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है उसकी बात करते हैं। तो ग्रीन थ्योरम कहती है, ग्रीन्स थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन इंटीग्रल अराउंड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड द डबल इंटीग्रल ओवर द प्लेन रीजन डी बाउंडेड बाय सी, राइट। इसका मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी दो डायमेंशन वेक्टर फील्ड का, ठीक है, मैंने कहा कोई भी दो डायमेंशनल वेक्टर फील्ड ले लिए हमने, जैसे कि dx dy, अगर हम उसका लाइन इंटीग्रल करते हैं, राइट, तो वो एक क्लोज पाथ के अलोंग वो किसी प्लेन के लिए उसके डबल इंटीग्रल के बराबर का होता है। या फिर आप इसमें एक दूसरी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन द प्लेन, राइट। किसी प्लेन में दो डायमेंशनल के जो वेक्टर फील्ड है उसका जो क्लोज पाथ होता है इन द प्लेन एंड एल्सो डबल इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड और रीजन। क्लियर। इसका मतलब है आपके पास में कि अगर सपोज कीजिए हमने दो टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड ले लिए, जैसे कि एक तो ले लिया हमने dx और दूसरा ले लिया हमने dy, राइट। अगर ये dx और dy हैं जिनका हम एक लाइन क्लोज इंटीग्रल करते हैं, l यानी कि लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं और ये इसका क्लोज इंटीग्रल है, जो कि किसके इक्वल होगा, उसके सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा डेल एन अपॉन, यहाँ से इसके लिए वैल्यू रखी हमने डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, इसके सरफेस इंटीग्रेशन के क्या होता है, इक्वल। यही हमारी ग्रीन्स थ्योरम है। ग्रीन्स थ्योरम में हम इसमें इसके दो आइडेंटिफाई एक्सप्रेशंस को देखते हैं, जो कि उसके फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिफाई एक्सप्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो हमने देखा कि हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिफाई के लिए। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ फर्स्ट के लिए। तो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट की सबसे पहले बात करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम से। डाइवर्जेंस थ्योरम में आप जानते हैं कि ये थ्योरम किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है। तो अगर हम यहाँ पर एक कोई सरफेस इंटीग्रेशन लिया हमने, कोई फंक्शन माना a वेक्टर, n कैप और ds, राइट, जो कि इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रेशन
ऑफ डेल डॉट ए वेक्टर डी वी के। तो ये हमारी क्या होती है, डायवर्जेंस, गॉस डायवर्जेंस थ्योरम होती है। क्लियर। अगर हम यहाँ कहते हैं कि सपोज कीजिए हमने यहाँ एक फंक्शन जो कि ए वेक्टर है और उस ए वेक्टर को हमने साई डेल फाई ले लिया। क्लियर। जहाँ पर स्टूडेंट ये साई और जो ये फाई है वो दोनों ही हमारे पास में एक स्केलर फंक्शन होते हैं। अगर जब फाई एक स्केलर फंक्शन होता है, हम इसका डेल प्रोडक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यह वेक्टर आता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है। अगर हम इसको वापस यहाँ पे पुट करते हैं देन हम देखेंगे कि ये वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। तो हमने लिखा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ साई डेल फाई एन कैप डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल साई डेल फाई डी वी। राइट। यहाँ से हम जानते हैं कि इसकी जो सरफेस इंटीग्रेशन है वहाँ पर अगर लगाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ हमारे पास आता है सरफेस इंटीग्रेशन, ये फाई आया हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है तो बाहर, और ये एन कैप इससे डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो हमने लिखा फाई डेल फाई डॉट एन कैप डी एस, जिससे ये हुआ चेंज वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। जब भी हम किसी भी डेल ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो वो इस तरीके से आएगा कि ये स्केलर फंक्शन आया बाहर, ये डेल ऑपरेट सबसे पहले सेकंड वाले फंक्शन पे ऑपरेट होगा, फिर ये इस वाले फंक्शन पर ऑपरेट होगा। तो ये इस तरीके से आपके पास आता है, जहां हम देखते हैं ये वाला जो फंक्शन है वो एक वेक्टर फंक्शन है, और जब हम वेक्टर का वापस वेक्टर कर रहे हैं तो ये हमें एक स्केलर या फिर एक लाप्लाशियन फंक्शन देगा। राइट। और ये हमारे पास में एक यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर फंक्शन है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं डेल फाई और एन कैप की बात करती हूँ, डेल फाई हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है और एन कैप हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। हम जानते हैं कि जब भी किसी भी वेक्टर फंक्शन के साथ किसी भी यूनिट वेक्टर को लगाया जाता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आई कैप से अगर ये होगा तो हमें ये वापस क्या देता है आंसर में, ए एक्स देता है। क्लियर। तो हमने देखा कि जब भी हम इसको ए वेक्टर को किसी यूनिट वेक्टर के साथ अप्लाई करते हैं तो हमें मिलने वाला फंक्शन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, मतलब आई कैप के साथ हमें इसमें कितना चेंज आ रहा है। तो हमें यहाँ पे भी ये इस तरीके से ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पे डेल फाई डॉट एन कैप, ये वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें मिलने वाला फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज मिल गया हम लोगों को, ये वाला फंक्शन हमने इसकी जगह लिखा फाई, और यहाँ आया डेल साई अपॉन डेल एन, और ये आया डी एस विच इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यहाँ ये आता है साई, ये बन गया एक लाप्लाशियन डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल फाई साई डॉट डेल फाई डी वी। अतः यही इक्वेशन हमारे पास में कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। हमने कहा कि ये क्लोज इंटीग्रेशन एज इट इज, फाई एज इट इज, डेल फाई डॉट एन कैप, यहां से हमने देखा ये उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको एन के रेस्पेक्ट में फाई का रेट ऑफ चेंज देखा और डी एस एज इट इज़ आ गया। यहाँ हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगाया, ये लाप्लाशियन में कन्वर्ट हो गया और इसको एज इट इज़ लिख दिया और ये आ गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन। जहाँ पे हम देखते हैं
कि डेल फाई डॉट एन कैप, जिसे हमने अभी राइट डाउन किया है डेल फाई अपॉन डेल एन, इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है, कि एन कैप की डायरेक्शन में फाई में कितना चेंज हो रहा है, उसे हमने लिख दिया डेल फाई डेल एन। तो स्टूडेंट्स, यही जो इक्वेशन है वो हमारे पास में इसकी फर्स्ट आइडेंटिफाई होती है, राइट। इसके बाद में हम इसकी एज इट इज सेकेंड आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, और सेकेंड आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि अभी हमने फंक्शन में लिया था ए वेक्टर साई डेल फाई, वहीं हम उस फंक्शन को चेंज कर देंगे फाई डेल साई में और इसी इक्वेशन को वापस बनाएंगे, राइट। तो हमने देखा कि हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन मिलती है वो मिलती है सरफेस इंटीग्रेशन साई डेल फाई अपॉन डेल एन डी एस, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल साई डॉट डेल फाई डी वी, विच इज इक्वेशन नंबर वन। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड आइडेंटिफिकेशन की। तो सेकेंड आइडेंटिफिकेशन में हम मानते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए जी वेक्टर इज इक्वल टू फाई डेल साई, राइट। जैसे हमने पिछले फंक्शन में लिया था एफ वेक्टर, पिछले फंक्शन में स्टूडेंट हमने लिया था एफ वेक्टर साई डेल फाई, राइट। तो उसके लिए मिलने वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास में वो ये थी। अब अगर हम ये फंक्शन लेते हैं तो इस इक्वेशन को चेंज देखते हैं हम किस तरीके से होगा। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी सरफेस इंटीग्रेशन फाई डेल साई अपॉन डेल एन डी एस, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई कन्वर्ट हो जाएगा फाई में डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई डी वी। इसके बाद हम देखते हैं अगर ये इक्वेशन नंबर, अगर हमने इसको कहा टू है, तो इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को माइनस करते हैं। अगर हमने जब इसको माइनस किया तो हमने देखा कि यहां पे जो ये फंक्शन है और यहां पे जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है और ये भी फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है। जिस तरीके से हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, क्लियर। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का होता है, ऐसे ही ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर। तो इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को जब हम माइनस करेंगे तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमें सिर्फ इन फंक्शंस के लिए वैल्यू मिलती है। तो हमने देखा कि हमें मिलने वाली जो वैल्यू होती है वो मिलती है सरफेस इंटीग्रेशन और ये आया साई डेल फाई अपॉन डेल एन माइनस यहाँ से आया फाई डेल साई अपॉन डेल एन, ये लिखा मैंने डी एस। उसके बाद इसको लिखा हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई डेल स्क्वायर फाई माइनस फाई डेल स्क्वायर साई और ये आता है डी वी। तो स्टूडेंट्स, यही जो हम लोगों ने ये निकाला है यही गॉस लॉ की सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है, यही गॉस लॉ की सेकेंड आइडेंटिफिकेशन है। जिस तरीके से अभी हमने बात की थी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन की, उसी तरीके से हमारे पास में ये सेकेंड आइडेंटिफिकेशन होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो गॉस लॉ है वो किस तरीके से वर्क करता है और
गॉस लॉ की इक्वेशन क्या होती हैं। गॉस लॉ की जो इक्वेशंस हैं वो आप लोगों को एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं।